उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के ग्राम गोदी हमीरपुर के विकलांग सलमान खान ने विकलांगता को नकारते हुए गांव में ही एक कारोबार स्थापित किया है। सलमान ने टारगेट नाम से चप्पलें बनाने का कारखाना लगाया और सहयोग के लिए सलमान ने उन सभी दिव्यांगों को चुना जिन्हें दिव्यांगता के चलते रोजी रोटी के लिए दुश्वारियां आ रही थी। सलमान खान की चप्पलों की इस फैक्ट्री में मशीनों से चप्पलें बनाने से लेकर पैकिंग तक इलाके के ही लगभग 20 से अधिक दिव्यांग कर रहे हैं और सुकून से रोजी रोटी कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज मन की बात में पूरे देश के कारोबार और कारोबारियों का जिक्र किया तो मुरादाबाद के दिव्यांग कारोबारी सलमान खान व उनके सहयोगियों के हौसलों की भी तारीफ की गई। मन की बात में प्रधानमंत्री के मुख से तारीफ सुनकर दिव्यांग सलमान खान व उनके सहयोगियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सुबह से ही उनके पास लोगों की बधाइयां आ रही हैं। सलमान सहित दिव्यांगों ने प्रधानमंत्री द्वारा दी गई तारीफ के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए शुक्रिया अदा किया है। विकलांगों के हित में और उनके साथ इतना बड़ा कारोबार चलाने वाले सलमान खान का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री के द्वारा उनका नाम लेकर उनके कार्य की सराहना होगी, जिसे आज भारत सहित पूरी दुनिया में सुना है। भले ही सलमान खुद चप्पलें नहीं पहन सकते, लेकिन जो पहन सकते हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए उन सभी के लिए चप्पलें बना रही हैं और दिव्यांगों के माध्यम से ही मार्केटिंग कराई जा रही है। सलमान का टारगेट 100 से अधिक दिव्यांगों को रोजगार देने के साथ अन्य और कारोबार को स्थापित करना है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी देली की रिपोर्ट। शन्नू खान, हम सलमान भाई की एक कंपनी है टारगेट, जो चप्पलों का निर्माण करती है, हम उसके अंदर हैं। क्या आप भी उसी कंपनी का हिस्सा हैं? जी हाँ सर, मैं इसमें काम करता हूँ। क्या काम संभालते हैं आप? सर मैं फिनिशिंग वगैरह चप्पलों की जो होती है और पैकिंग वगैरह जो होती है। आप भी दिव्यांग हैं? जी हाँ, मैं भी। कितनी आमदनी मिल जाती है सर? अच्छी खासी हो जाती है, खर्चा अपना चल जाता है, 7-8 हज़ार रुपये महीना मिलता हो जाता है। और कितने साथी हैं आपके? 20-22 लोग हैं हमारे साथ काम कर रहे। शन्नू भाई, प्रधानमंत्री ने आज आपका और आपके सलमान भाई का और आपकी कंपनी का नाम लिया, क्या आपको भी इस बात में पता चला? जी हाँ सर, पता चला। बहुत खुशी हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारा नाम लिया, हमारे सलमान भाई का नाम लिया, हमारी कंपनी में जिसमें हम लगे हुए हैं इसका नाम लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। क्या प्रधानमंत्री जी के इस नाम लेने से आपका हौसला कुछ बढ़ा है? जी हाँ सर, बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ा है। हम लोगों का जो मोटिवेशन है, जो सलमान भाई का जो प्लान है, टारगेट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग भाइयों को अपने रोजगार दे, तो इस कंपनी में हम जोड़ेंगे। अभी तक हम 100 कार लेके चल रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह ज़्यादा कर करेंगे। कब से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं? सर 6 महीने से ज़्यादा हो गए इस कंपनी से जुड़े हुए। अच्छा, नहीं लगता 6 महीने में आपकी कंपनी प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गई? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि 6 महीने में हम लोग, ये सब आप मीडिया बंधुओं की मेहरबानी है जिससे हम आज प्रधानमंत्री जी के मुँह से हमारा नाम निकला है। नहीं देखिए, मीडिया भी तभी है जब आप कुछ कर रहे होंगे। तो सर वो तो है, लेकिन फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों के जरिए हम लोग इतनी ऊँचाई तक पहुँचे हैं। तो कैसा लगा, प्रधानमंत्री ने आज आपका और आपके सभी साथियों का नाम लिया, आपकी तारीफ की, कैसे संभव हो पाया और कैसा लगा सबसे पहले? बहुत अच्छा लगा सर, मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए बहुत अच्छा लगा सर। क्या कहना चाहेंगे पहले प्रधानमंत्री के लिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं प्रधानमंत्री जी को, जो हमारी कंपनी का नाम लिया, मेरा नाम लिया। जी सर। अच्छा, ये सारा कुछ संभव हो पाया है, आप एक कंपनी चला रहे हैं और ख़ास तौर से आप दिव्यांग हैं, सभी दिव्यांग साथियों को आपने सहयोग करके उन्हें लगा रखा है, तो कैसे मन में आया और कहां तक पहुंच पाएंगे अभी तक? सर मैं सरकारी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तो मैंने सोचा सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो मैंने सोचा क्यों अपनी कंपनी स्टार्ट करता हूँ, और मैं जो मैं परेशानी मैंने दिक्कत उठाई है, क्यों उन विकलांगों को मैं नौकरी देना चाहता हूँ सर, जो मुझे परेशानी हुई है सर। अच्छा, क्या 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 परेशानी हुई आपको इसमें? जी जैसे जॉब के लिए मुझे अप्लाई करा वगैरह सब में, लेकिन जॉब नहीं मिल पाई, तो इस वजह से सोचा कि जितनी मुझे परेशानी हुई है हैंडीकैप लोग उसमें, तो उन लोगों को परेशानी नहीं हो पाए, और क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों को रोजगार दे सकें। आपने फैक्ट्री लगाई, कहाँ से सब कुछ अरेंज हुआ? ये आपने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा ली है, फिलहाल अच्छे स्तर पर चल रही है। जी ये सब मेरे घर वालों की सपोर्ट है सर, उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, और उन्होंने जो भी हुआ वो उन्होंने करके दिया, क्या बोलते हैं, तुम कुछ कर। अच्छा, आप अच्छे लोगों को भी दे सकते थे नौकरी, लेकिन आपने खुद दिव्यांग है, क्या इसीलिए दिव्यांगों को दी? जी क्या, जब मैं हैंडीकैप हूँ तो मैंने सोचता था लोग हम पे
हंसते भी हैं ये सब एक ही जैसे एक ही कैटेगरी के वगैरह सब, और बहुत से लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को रोजगार दे रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जी सर, कितनी इनकम हो जाती है आप सब लोगों को? जी अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं सर सबको, मतलब घर की रोजी रोटी अच्छी चल रही है। जी जी बढ़िया। किसी कभी ऐसा हुआ कि आपको ऐसा लगा कि भाई हम दिव्यांग हैं ये इसी वजह से हमें सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? जी जी अब नहीं लगता सर, और पहले से भी नहीं लगा सर। जो मेरी कमजोरी थी मैंने उसे ही अपनी काबिलियत बनाई सर। जी अच्छा, ये आप मशीनें लगाए हुए हैं, इतना बड़ा प्लांट लगाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रेनिंग भी ली गई होगी कहीं से आप? जी सर, जहाँ से हमने मशीनें ली थी वो ही यहाँ पर बंदे आए थे, वो हमें सिखा कर गए थे सर। तो अब बाकी सारे लोग भी सीख चुके हैं? जी जी सब सीख चुके हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। चप्पलों का आपने एक प्लांट लगा रखा है, कहाँ कहाँ तक जाती हैं आपकी, किस किस ब्रांड के नाम से? हमारा जो उद्देश्य है पहले हैंडीकैप लोगों के लिए है, जो हैंडीकैप लोग गांव गांव जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, माल बेचते हैं। हमारा दो जगह यानी दो ब्लॉकों में हमारा काम चल रहा है, तीसरे में हमारी तैयारी है, जैसे भगतपुर और ठाकुरद्वारा में हमारा काम चल रहा है सर। आपने अपने कंपनी का नाम टारगेट रख रखा है, तो क्या इसके आगे भी कोई टारगेट है कि हमें वहां पहुंचना है? जी बहुत बड़ा टारगेट है मेरा, ये टारगेट है मैं ज्यादा से ज्यादा विकलांगों को रोजगार दे सकूं, और यही मेरा टारगेट है। अच्छा, एक प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग खुद अपने आप सही से नहीं चल पाते हैं, दूसरों को चलने के लिए वो चप्पल मुहैया करा रहे हैं। जी जी, क्या सुना था आपने इस बात के लिए? जी जी सुना था, बहुत अच्छा लगा। मैं खुद चप्पल नहीं पहनता सर, जूते नहीं पहनता मैं, लेकिन हमने सोचा कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों के काम आवे, जो जो डेली यूज यानी जो यूज़ होता है वो प्रोडक्ट हम बनाते हैं। मंत्री के संबोधन में आप लोगों का नाम आया, तो गांव के या आपके मित्र लोगों का कोई बधाई आई? जी बहुत बधाई आ रही है सर, और फोन पे भी वगैरह सब जगह सब बहुत बधाई आ रही है। कितने दिव्यांगों को जोड़ चुके हैं? अब तक हमारे 22 लोग काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। हम बहुत बड़ा नेटवर्क बड़ा करना चाहते हैं सर, सब मिलकर। इसके अलावा और क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? जी अभी तो ये दो ही चल रहा है, लेकिन हमारा टारगेट बहुत लंबा टारगेट है सर। हम हर प्रोडक्ट की तैयारी, जैसे ये हमारा हम तीसरा टारगेट नाम से कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं सर। अभी पैसे की दिक्कत है और पैसे की समस्या है सर। अच्छा, एक आपने ये दिव्यांग जागरूक रथ के नाम से है? जी जी, हम लोगों को जागरूक करते हैं, जो गांव गांव जाकर हम फिल्में भी दिखाते हैं उन्हें, आप हिम्मत मत हारिए, ऐसा करिए कि बहुत अच्छा लगे लोगों को सुन के भी। जी सर, दिव्यांगों के लिए काफी योजनाएं हैं आपको सारी मालूम है, तो क्या आप उसमें भी सहयोग करते हैं सब लोगों को? जी जी सर जी, तो और हमारा भी संगठन है सर ये, जी दिव्यांग हितकारी संगठन के नाम से। देश के लिए प्रधानमंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, जो हमें तो उम्मीद भी नहीं थी, ये सब लोग बहुत खुश हैं आज ये प्रधानमंत्री ने हमारे बारे में बोला, बहुत अच्छा लग रहा है हमें सर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।